छोटे मलाना के नजदीक भारी भूस्खलन की घटना सामने आई है। इस भूस्खलन में गांव के रास्तों का नामोनिशान तक मिट चुका है। इस हादसे में गांव के स्थानीय लोगों की निजी जमीनें व सेब के दर्जनों पेड़ नष्ट हो गए हैं। गांव वाले मलबा हटाकर रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर भूस्खलन से बार बार मलबा गिर रहा है, जिस कारण ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। आज हमारा यहाँ मलाना में जैसे आजकल जो ये बारिश और बर्फबारी से हमारा बहुत ज्यादा भूस्खलन हो गया, जो हमारा गांव से रोड में जाने वाले जो रास्ता यातायात रास्ता है उसमें भूस्खलन के वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आज हम इस गांव से हर घर से हम लोग जो है इस रास्ता बनाने के लिए जैसे दूर दराज से लोगों को चलने के भारी दिक्कत था, अभी हाल ही 3 दिन हो गया, इसके लिए प्रशासन जो है संघर्ष रखना चाहिए इस बात को। जैसे यहाँ पे डंगे लगेंगे, जैसे जो हमारा अपने गांव वासी बुद्राम है उसका 35 मीटर जमीन नीचे को धस गई है, 20 मीटर जो है चौड़ा, और उस बगीचे में सेब का पौधे थे, सेब का पेड़ 30 से 35 पेड़ थे, और इसी बारिश से हमारा जो कि हमारा गांव जो जमीन है हमारा आगे भी है नजदीक में और आतोड़ांग और बैलिंग में, तो यहाँ पे 5 डोगरे बर्फ की वजह से धस गए हैं। तो एक चंद्रराम जी का घराट था उसको भी जो ग्लेशियर टूट गया जैसे उससे पूरा ही नुकसान ही कर दिया सब, मतलब दिखाई भी नहीं दे रहे हो जैसे बह गए उसमें। तो इस दौरान प्रशासन को इन लोगों का जो ये 6-7 लोग है इनका जो है प्रशासन को जैसे भारी मात्रा में ध्यान रखना चाहिए, और हम लोग जो है इतना ऊंचे यहाँ के लोग भोले वाले सारे जनता यहाँ के जो आज भी हम लोग पूरा ही गांव इकट्ठा होके उस रास्ते को बना रहे, अभी भी शाम को 5-6 बजे तक हम उस रास्ते को बिल्कुल जल्द से जल्द चलने फिरने के लिए बनाएंगे, और प्रशासन को इसी रास्ते में को बनाने के लिए जो डंगा जो क्रेट वायर लगना है इसके तहत जो है सरकार को कड़ी ध्यान रखना चाहिए। और धन्यवाद।